बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है चटपटी चना चाट। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए 1 कप उबले हुए चने। मैंने वाइट चने लिए हैं, आप ब्लैक चने भी ले सकते हैं। 1 आलू लिया है, उसे उबाल कर छील कर उसको क्यूब्स में काट लिया है। और आधा बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और आधा कटा हुआ टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को भी हम बारीक काट लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और नमक हसबे ज़रूरत शामिल कर दें। इमली ली थी मैंने, उसे अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। 1/2 कप मैंने इमली का पल्प शामिल कर दिया है। इमली का पल्प डालने से हमारी चाट बहुत ही चटपटी और जूसी बनती है। आप चाहें तो उसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाट को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाट मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से डिश आउट करेंगे। हमारी चटपटी स्पाइसी चाट रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये स्पाइसी चना चाट की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।